प्रेम में किसी के लिए आंसू आ जाएं, तो समझ लेना कि प्यार सच्चा है। प्यार जिद से नहीं भाग्य से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहता। इंसान दो जगह हमेशा हार जाता है, एक अपने प्यार से और दूसरा अपने परिवार से। प्यार का एहसास सबसे खास होता है, दूर होते हुए भी वो शख्स यादों में पास होता है। इतने बेवफा नहीं जो तुझे भूल जाएंगे। अक्सर चुप रहने वाले लोग प्यार बहुत करते हैं। सच्चा प्यार क्या है, ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी से प्यार करके उसे खो दिया हो। प्यार तो आज भी उससे उतना ही है, पर उसको कदर नहीं तो हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। कभी कभी वो इंसान आपको रुलाकर रख देता है, जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखा करो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जिसके लिए आप जरूरी होंगे उसके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिसके लिए आप जरूरी नहीं होंगे वो दूर जाने के हजार बहाने बता देंगे। किसी को अपना इतना वक्त भी मत दो कि वो आपको फालतू समझने लगे। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर देता है। गिरते गिरते ही तो बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। सच्चा प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, लेकिन फिक्र बहुत करते हैं। रोने से इंसान कमजोर होता है, ये गलत बात है, बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान ही आखिर में सबसे मजबूत बनता है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, सबसे ज्यादा वही रोता है जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है। अगर आप किसी शख्स को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स भी आपको याद करता है। अपने जीने के उसूल बदल दीजिए, जिसे आपकी परवाह ही नहीं उसके लिए रोना बंद कर दीजिए। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। कई बार भगवान हमारे रिश्ते को तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वो आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। अगर आप पैसे को सही जगह लगाओगे तो पैसा भी आपको जिंदगी में सही जगह ले जाएगा। कभी उसकी कदर करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करते हैं। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि कोई अगर गले लग जाए तो आंख भर जाती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना रहना भी। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, परंतु आदत खत्म होने में
वर्षों लग जाते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। सीखनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियाँ समझ में ना आए तो जो जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तटस्थ होकर हमें देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। ज़रूरी तो नहीं कि सब कुछ हासिल ही हो, कुछ लोग ना मिलकर भी दिल में आखिरी सांस तक धड़कते रहते हैं। खुद पर भरोसा करना सीख लो, लोग कितने भी भरोसेमंद हों एक दिन छोड़ ही जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सको। पैसों की कीमत तभी पता लगती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। सलाह सबकी सुनो, पर करो वो जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। संभव और असंभव के बीच में दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि यहाँ लोग साथ कम और ज्ञान ज़्यादा देते हैं। जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है वो किसी की परछाई बनने में बिल्कुल नहीं है। जिंदगी में कभी इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने ही रूठ जाएं, और इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए कि आपकी इज्जत ही खत्म हो जाए। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर उसकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर शेर के साथ रहोगे तो वो आपको ज़िंदगी में संघर्ष सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसलिए गधों का नहीं शेरों का संग करना सीखो। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में वक्त लगता है। एक साल लगाकर फोकस और जी तोड़ मेहनत आपको ज़िंदगी में दूसरे से 5 साल आगे ले जाएगी।